नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर कई जिलों में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। अमेठी, कानपुर, फिरोजाबाद में वोटिंग खत्म हो गई है। लखीमपुर, संभल और कन्नौज में भी वोटिंग खत्म हो गई है। सिद्धार्थनगर और अयोध्या में भी वोटिंग यहां पर खत्म हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें, बरेली, सोनभद्र, अम्बेडकर नगर में भी मतदान खत्म हो गए हैं। 3 बजे तक वोटिंग यहां पर कराई जा रही थी और अब से कुछ देर बाद ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज ही इसका रिजल्ट आएगा। तो 3 बजे तक वोटिंग कराई गई और उसके बाद में अब हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें, जहां जहां पर वोटिंग खत्म हुई है वहां पर अब जब मतगणना शुरू होगी तो उसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर मतदान कराया गया था और 3 बजे तमाम जगहों पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो गई। उसके आगे अब रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। आज ही परिणाम आने की संभावना है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई जिलों में मतदान की प्रक्रिया फिलहाल समाप्त हो गई है। 3 बजे तक के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। अमेठी, कानपुर, लखीमपुर, संभल और कन्नौज में वोटिंग जो है वो 3 बजे खत्म कर दी गई। सिद्धार्थनगर और अयोध्या में मतदान खत्म हो गया है। इसके अलावा बरेली, सोनभद्र, अम्बेडकर नगर में भी मतदान 3 बजे तक चले। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं यूपी से, जहां पर योगी सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यहां पर परीक्षा होगी। आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 20 अगस्त को कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर परीक्षा कराने की बातों को लेकर मंजूरी दे दी है। समूह के कोरोना गाइडलाइन प्रोटोकॉल के साथ में यहां पर तमाम परीक्षा जो है वो यहां पर आयोजित की जाएगी। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा यहां पर आयोजित कराई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 20 तारीख को कराई जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें, 30,000 पदों पर यहाँ भर्ती कराई जाएगी और उसी को लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से परीक्षा कराने को लेकर परमिशन दी गई है। काफ़ी दिनों से लगातार इस बात को लेकर कह सकते हैं कि हर कोई इंतज़ार कर रहा था और वो इंतज़ार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ यूपी से डॉक्टर चंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से कह सकते हैं कि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फाइनली यहाँ पर योगी सरकार की ओर से बड़ा और अहम फैसला लिया गया है कि अब जल्दी यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। और बिल्कुल प्रीति, देखिए बहुत बड़ा फैसला है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। योगी सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया है। इनकी प्रारंभिक जो परीक्षा है 20 अगस्त से शुरू होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी मंजूरी जी प्रोटोकॉल के साथ ही परीक्षाएं होंगी, क्योंकि सारी परीक्षाएं लगभग कैंसिल होती दिख रही थी, लेकिन कोरोना का प्रकोप जिस तरीके से कम हो रहा है उस तरह से यह अहम माना जा रहा था। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर परीक्षा कराने की मंजूरी दे दी है। समूह के 30,000 पदों पर यहां भर्ती कराई जाएगी और इस दौरान जब परीक्षा कराई जाएगी तो उस दौरान सरकार की ओर से जो भी कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है उन गाइडलाइंस का यहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पालन करना होगा। सीएम योगी के फॉर्मूले ने कोविड की रफ्तार पर फिलहाल रोक लगा दी है। 36 जिलों में से 24 घंटे में मामले काफी कम आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो यूपी में कोविड के लगभग 112 के आसपास मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी ने जिस तरीके से फॉर्मूले जो अपनाए थे कोविड को कम करने के लिए वो यहाँ पर कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वजह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे मामले जो हैं वो कम होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सक्रिय मामलों की बात करें कि फिलहाल राज्य में कितने एक्टिव केस हैं तो लगभग 2,500 के आसपास एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि तमाम ऐसे जिले हैं यहाँ पर, यानी कि 36 जिलों में से 24 घंटे में कोविड का एक भी मामला निकलकर सामने नहीं आया। एक और जहाँ पर लगातार हजारों में मामले निकलकर सामने आ रहे थे, तो वहीं पर अब पूरे प्रदेश में अगर कुल संख्या की बात करें कि बाकी कितने एक्टिव केस कोविड के अभी प्रदेश में बचे हुए हैं तो वो 2,500 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं वाकई जहाँ एक दिन में हजार से ज़्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे थे, वहाँ अब 36 जिले की अगर बात करें तो 24 घंटे में एक भी मामला निकलकर सामने नहीं आया। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई कोरोना
की रफ्तार यूपी में धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है और उसी को लेकर हर कोई यहां पर यह कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो फॉर्मूला यहां पर अपनाया गया था उसी फॉर्मूले के तहत यहां पर जब प्रशासनिक अधिकारियों से ने काम किया, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनकी ओर से काम किया गया है और कह सकते हैं कि उनके साथ साथ आमजन जो है, जो जागरूक लोग हैं उनकी ओर से भी यहां पर सरकार का सहयोग किया गया है, उसी की बदौलत कह सकते हैं कि मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं और 36 जिले में 24 घंटे में एक भी कोविड का मामला निकलकर सामने नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी रागनी पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। रागनी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही वो बात अलग है कि पूरे देश में ही मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यूपी की हम बात करें तो वहां पर 36 जिले ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे में एक भी कोविड का मामला निकलकर सामने नहीं आया, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई सरकार और प्रशासन की ओर से जो लगातार कोशिशें की जा रही थी वो धीरे धीरे रंग लाने लगी है। जी प्रीति, देखिए जिस तरह से कोविड के नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने जो 3D फॉर्मूला अपनाया है उसकी वजह से कोविड के जो नए मामले हैं काफी उनकी रफ्तार काफी कम हो चुकी है। और अगर बात करें कि 24 घंटे में, तो 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आया है जो कि 36 जिले हैं, और पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में कोविड के सिर्फ 112 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि योगी सरकार का जो 3D मॉडल है वो काफी कारगर साबित हुआ है और इसी वजह से कोविड की रफ्तार पर रोक लगाई जा सकी है। और यहाँ पे टीकाकरण का भी जो स्तर है वो काफी ज्यादा हो चुका है और टीकाकरण पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो टीका लगवाएं और उसमें कोई भी खामी ना करें और अपनी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर, मास्क, इन सब का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल रागिनी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सरकार, प्रशासन, आम जागरूक लोग जो हैं और साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं, तमाम लोगों की मिलकर जिस तरीके से कोविड पर यहां पर रोक लगाई गई है तो कह सकते हैं कि वाकई सभी का सहयोग यहां पर देखने को मिला है। बेशक सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हो, लेकिन पालन तो आम जन ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाया यहां पर। जी बिल्कुल, अधिकारी भी जो कानून व्यवस्था लागू की गई है उसका अधिकारी भी तरीके से अपने आप पर लागू कर रहे हैं और साथ ही बाहर के भी लोगों पे लागू कर रहे हैं। और कोरोना की केसेस जितने कम आए हैं और कोरोना की रफ्तार पे लगाम की गई है, इसको लेके नई गाइडलाइन भी जारी की गई है कि यहाँ पे सोमवार से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम और स्पोर्ट्स भी स्टेडियम भी खोल देंगे ताकि जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी वो अब खराब ना रहे और आर्थिक स्थिति पे भी ध्यान दिया जा सके। क्योंकि बिल्कुल रागनी, लेकिन इस बात से अभी भी इनकार नहीं कर सकते कि बेशक मामले धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन अभी तक कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, तो अभी भी सरकार प्रशासन को यहाँ पर एहतियात बढ़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये बात सही कह रही है प्रीति की कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है। कोरोना के मामले जरूर कम हुए हैं लेकिन कोरोना भी गया नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अब एक्टिव हो चुका है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट के एक भी केस यूपी में नहीं है। यूपी सरकार बिल्कुल मुस्तैद है उस वायरस से लड़ने के लिए और हर हॉस्पिटल को भी तैयार कर दिया गया है, सुविधा भी लागू कर दी गई है, डॉक्टरों की टीम भी खड़ी कर दी गई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को ही नहीं, यहाँ तक कि आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जो कि बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोरोना से बचने के लिए जो नियम लगाए गए हैं, जो गाइडलाइन है उसके प्रोटोकॉल को पूरा करें। बिल्कुल, तभी आप कोरोना पे लगाम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रागनी, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एसटीएफ ने 25,000 के इनामी जालसाज को यहां पर पकड़ा है। ओएलएक्स पर लग्जरी गाड़ियां बेचकर जालसाज जो है वो यहां पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था और उसी को लेकर एसटीएफ की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो आपको बता दें एसटीएफ की ओर से कार्रवाई की गई है, अंबेडकर नगर से यहां पर राजेश तिवारी जालसाज जो है उसे यहां पर एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। ओएलएक्स पर लग्जरी गाड़ियों को बेचने का झांसा यहां पर राजेश तिवारी की ओर से आमजन को दिया जाता था, उनके साथ में ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। आपको बता दें 25,000 का इनामी बदमाश है राजेश।
मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप। रालोद ने यहां पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। अपना वोट डालकर आए सदस्य ने यहां पर सवाल उठाए हैं। सदस्य अनूप चौधरी ने बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया। पुलिस बल ने रालोद कार्यकर्ताओं को यहां पर खदेड़ दिया है। रालोद कार्यकर्ताओं ने यहां पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर धांधली की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रालोद के कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव में वोटिंग हुई है इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से धांधली की गई है, पक्षपात यहां पर किया गया है, इसी वजह से वो लोग यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे लोग वहां पर बढ़ते हुए नजर आए उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस की ओर से तमाम रालोद के जो कार्यकर्ता थे उन्हें वहां से खदेड़ा गया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है। दोबारा अभिषेक से कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टया खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि रालोद के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बात कही जा रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर जो बीजेपी है उसकी ओर से धांधली की गई है, पक्षपात किया गया है, जिसकी वजह से लगातार सड़कों पर उतर कर रालोद के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस वक्त एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहां पर जिला अध्यक्ष बदले हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में 15 जिला अध्यक्ष यहां पर बदले गए हैं। कांग्रेस ने नए जिला अध्यक्ष यहां पर नियुक्त करे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यहां पर कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष जो है उनमें फेरबदल किया गया है, बदलाव किया गया है। यूपी में 15 कांग्रेस की ओर से नए जिला अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक का जो भी कार्यकाल पहले की जिला अध्यक्षों की ओर से रहा गया है उनमें से जिस भी जिला अध्यक्ष की कार्यप्रणाली सही नहीं रही, जिसकी ओर से सही तरीके से कामकाज नहीं किया गया, उन्हें यहां पर हटाया गया है। और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को भी इस बात में ध्यान रखा है, तब कहीं जाकर इनको चेंजेस किया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए। जी अभिषेक, जिस तरीके से यूपी में 15 जिला अध्यक्ष यहां पर बदले गए हैं कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर यहां पर दोबारा से नई रणनीति के तहत यहां पर बदलाव किया गया है? जी दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने सभी जिले तेज होते कसने का प्रयास कर रही है और चूंकि लगातार जो स्तर पार्टी का वो गिर रहा है, संगठन कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है प्रियंका वाड्रा जल्दी यूपी आने वाली है और उनके आने से पहले जो संगठन है उसको मजबूत करने का वायदा है। ये के तहत 15 अध्यक्ष बदले गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई हो सकती है, और जिलों में बदले जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 15 जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर बदले गए हैं अभिषेक, उनके पीछे ये भी कारण रहा होगा कि वाकई आगामी चुनाव को लेकर तमाम सक्रिय लोग चाहिए, जिनकी छवि भी अच्छी हो, जिनकी ओर से अब तक कामकाज भी अच्छा किया गया हो, कांग्रेस की जो रीति नीति है वो आम जन तक पहुंचाई गई हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 15 जो जिला अध्यक्ष हटाए गए हैं उनकी ओर से सही तरीके से कामकाज नहीं किया जा रहा था पहले। आपको बता दें कि दरअसल बदले गए हैं इनमें जाति समीकरण यूपी में होता है उसको देख करके बदला गया है और जो आगे भी बदले जाएंगे उनमें जाति जो होता है समीकरण उसको देख के वो बदले जाएंगे, क्योंकि जहाँ चुनाव होने वाला बाइक में उसमें तमाम जातियां चाहे वो SC ST के हों चाहे वो यादव वोट बैंक हो, उन सभी को सदते हुए इनको बदला जाएगा, वो बदले गए हैं। ठीक है अभिषेक, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने 9 जिला पंचायत सदस्यों के मतदान के लिए सहायक नियुक्ति कर दी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार ने यहां पर विरोध दर्ज करवाया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान होना है। बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रिश्तेदार विजय सिंह दावेदारी कर रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रिश्तेदार अर्चना यादव कड़ी चुनौती दे रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने यहां पर कहा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी प्रशासन के साथ में मिलकर गलत
हथकंडे यहां पर अपना रही है, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अलीगढ़ में 9 जिला पंचायत सदस्यों को गलत तरीके से सहायक प्रदान किए गए हैं। भाजपा के नेताओं के, मंत्रियों के दबाव में प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, जो कतई गलत है। जो लोग उनकी 8 सदस्यों की एप्लीकेशंस और पेंडिंग हैं, जहां वो लोग स्वयं सक्षम हैं, लेकिन भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाते हुए और निष्पक्ष चुनाव ना हो, इसके लिए सहायक नियुक्त करा रही है जानबूझकर। इसकी शिकायत हमने भारत सरकार के चुनाव आयोग से, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को, मुख्यमंत्री ट्विटर को, पीएमओ को, राज्यपाल महोदय को, सारी जगह। हम आज हमारे संज्ञान में कुछ इस तरह की बात आई थी कि शासन प्रशासन से मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो गलत तरीके से जिला पंचायत सदस्यों के हेल्पर बनवा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य यहाँ हैं भी नहीं और गलत तरीके से उनका मेडिकल करके, यहाँ के सीएमओ ने गलत तरीके से मेडिकल करके उनको हेल्पर प्रोवाइड करा दिए हैं। उन बहुत सारे सदस्यों से हमारी बात हुई, उनको मालूम भी नहीं है कि उनके सदस्य बन गए हैं, और बड़ी संख्या में एक समाचार पत्र के माध्यम से ये बात हमसे प्रूव हुई, हमें प्रूव हुई कि 9 मेंबर्स के सहायक दे दिए गए हैं। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने 9 जिला पंचायत सदस्यों के मतदान के लिए सहायक नियुक्त कर दिए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार ने यहां पर विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें, शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान होना है। बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रिश्तेदार विजय सिंह दावेदारी कर रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रिश्तेदार अर्चना यहां पर दावेदारी कर रही है। मुजफ्फरनगर चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद में विपक्ष वापस लौट गया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरज लाठियान और लोकदल जिला अध्यक्ष अजीत राठी और गठबंधन के जिला पंचायत सदस्यों ने यहां पर चुनाव का बहिष्कार करने के बाद में कार्यकर्ताओं को वापस लौटने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही सभी कार्यकर्ता वापस भी चले गए हैं। वहीं पर अब सपा कार्यालय पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। प्रशासन ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष को निकाल कर दो, कैसे भी करो, प्रशासन को फोन हो रही थी मुख्यमंत्री के, ये मामला सारा तांडा हो रहा जी। अच्छा थोड़ा होगा, हमारा तो मामला हार जीत किसी को हमने पहले भी कहा था जी। पर चुनाव को चुनाव की तरीके से करवाओ, 1% चिन्ह लगवा ले भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव में ऐसे धांधली हम कर देते हैं। जोन से अनुशासित पार्टी थी, कभी अनुशासन के नाम पर जीत कराती थी, हिंदुत्व के नाम पर जीत कराती थी। इन्होंने कुरैशी अंसारी जो भी ये सब लोग हैं, ये सब प्रेस करके इन्हें गिरफ्त करा क्या, उनके साथ में हर पर भेज क्या वोट डलवा रहे जबरदस्ती। अपने नाम वोट नहीं डाल पाए, अभी डालने नहीं, प्रशासन ने वही महावीर चौक पर आगे ही नहीं जाने दी, गाड़ियां मतलब वही रुकवा दी थी, आगे जाने नहीं दिया किसी को जी। अभी सो मेंबर जो भी है, हमारी महिलाएं भी हैं, हम सब भी सबको यही रोक दिया गया है। अब क्या चाहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लखनऊ दौरे पर है। अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमोसी पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और महेंद्र सिंह के साथ में लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंबे वक्त के बाद में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस बार उनका अधिकांश वक्त अपने आवास पर ही बीतेगा। आपको यहां पर यह भी बता दें, राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से वाहनों के काफिले के साथ में सीधा अपने आवास तिलकुंशा रवाना हो गए हैं, जहां पर शनिवार शाम को 5 बजे के आसपास वो अपने आवास से रवाना होकर कोरोना संक्रमण के कारण स्वर्गीय पत्रकार सुभाष मिश्रा के गुलिस्तान कॉलोनी के आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण की टीम 9 के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करी है और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से प्रदेश में कोरोना स्थिति की जानकारी ली। साथ ही यहां पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए। आपको ये भी बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने लगा है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिकवरी दर की बात करें तो उसकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्रदेश में कुल एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो लगभग 2560 के आसपास। अलीगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। यहां पर एसपी के पूर्व विधायक जफर आलम को रोके जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और साथ ही पुलिस सब इंस्पेक्टर पर पूर्व विधायक से अभद्रता का आरोप लगाया, जिसके बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सपा कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत करवाया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच में आईआईटी कानपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर पद्मश्री मणिंद्र अग्रवाल ने तीसरी लहर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनकी ओर से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के आखिरी तक आ जाएगी और साथ ही 15 अक्टूबर तक इसका पीक आएगा, नवंबर के आते आते ये खत्म भी हो जाएगी। ये खुलासा प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने सूत्र मॉडल के माध्यम से साझा किया है। प्रोफेसर ने बताया है कि जो इस वक्त पूरे देश में वैक्सीन लग रही है उसमें लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी, लेकिन अगर म्यूटेंट बदला तो वायरस और भी तेजी से फैलता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा, जिससे कि तीसरी लहर और भी घातक हो सकती है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया है कि सटीक अनुमान यहां पर किया गया था, जिसे देश के कई राज्यों ने दूसरी लहर में भी माना था। हमने अभी हाल में ही पूरी की है कैलकुलेशंस मॉडल के द्वारा, तो उसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है ये समझना कि तीसरी लहर कब आएगी इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि तीसरी लहर निर्भर करती है इस पे कि कोई नया म्यूटेंट जो ज़्यादा तेजी से फैलने वाला हो वो आ जाए, या लोग जो सावधानी बरत रहे हैं अभी वो सब छोड़ दें, जैसे मार्च में हुआ था इस साल, उस प्रकार से फिर से अपना उनका बिहेवियर हो जाए। तो ये कब होगा इसको कहना बड़ा मुश्किल है, केवल अंदाज लगाया जा सकता है। यही अंदाज हमने अपनी तरफ से लगाया कि मान लेते हैं कि अगस्त तक लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट ऑफिस में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करी है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि संजय सिंह अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर दूसरी और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी है, वो काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मन बना चुकी है। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।